ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी। ओके गुरी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर चालके, ये मुंबई के बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। अच्छा, आप मुंबई जाने की तैयारी कीजिए, हम सब चलेंगे ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक बा। हदिया, यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया, ये लोग तो हमारे बीमारी वाले झूठ को बहुत ही गंभीरता से ले लिए। अब जब हम बीमार ही ना ही हैं, तो हम काहे जाएं डॉक्टर चालके के पास? क्या मतलब, आपने हमसे झूठ बोला? क्या आप बीमार है? हदिया लट्टू, ये क्या कह रहे हो तुम? हम ठीक कह रहे हैं भाभी जी, भाभी माँ ने अभी अभी मन में कहा कि वो बीमार नहीं है, उन्होंने हम सबसे झूठ कहा है। गौरी जी, क्या ये बात सच है? हाँ नीता जी, ये सच है कि हम आप सबसे झूठ बोले। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया गौरी जी? वो कहा है ना नीता जी कि सब लोग हमको बहुत अवार्ड कर रहे थे। अवार्ड? वो अवॉइड होता है भाभी माँ, सही पकड़े हैं। कहा है अनीता जी कि लड्डू के भैया हमसे ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे, और ये लड्डू भी, और यहाँ तक कि भरभूती जी, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे। तो ना हम ये सब अम्मा जी को बताए, और वो हमको ये सब उपाय बताई रही। चलिए छोड़िए, अब मुझे भी पता लग गया है, लड्डू को भी पता लग गया है, अब क्या किया जाए? अनीता जी, हम ये नाटक जारी रखना चाहते हैं ताकि हम लड्डू के भैया को सबक सिखा सके। वो सब ठीक है अंगूरी जी, लेकिन लड्डू बता देगा। हम नहीं बताएंगे भाभी माँ, और हमने जो किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। ठीक बा लड्डू, माफ कर दिया तुमको। हाँ, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल ना ही करना। चलिए तो फिर ठीक है, हम सब लोग मिलके अब इन दोनों को सबक सिखाते। हाँ दिया, हम बहुत खुश हो गए। अंगूरी अंगूरी, कैसी उम्र पगली? जैसे छोड़ कर गए थे वैसे ही है लड्डू के भैया। ये देखो पगली, हम तुम्हारे लिए आज क्या क्या लेके आए हैं। हदिया, ये देखो, ये पिंक साड़ी जो है ये हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं बनारस से, और ये भी हम मंगवाए हैं, देखो ये एक और साड़ी है। हदिया लड्डू के भैया, आप इतना खर्चा काहे किए? अभी साड़ी का हमको कोनो जरूरत नहीं है, इससे तो अच्छा आप हमारे लिए साल और कंबल ला देते, बीमार लोगों के तो यही कपड़े होते हैं, है कि नहीं? सुनिए लड्डू के भैया। हाँ पगली, एक तो बात बताइए ना। का पगली? अगर हमको कुछ हो गया तो का आप दूसरी शादी कर लेंगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा पगली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक सावित्री थी जो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज तक से लड़ ली थी, एक हम हैं जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भिड़ जाएंगे। तो हम फिर आपका नाम ना सावित्री तिवारी रख देंगे, ठीक बा? जनाना नाम। वहाँ क्या कर रहे हैं लड्डू के भैया? कुछ नहीं, धूल साफ कर रहे हैं पगली। भाभी जी रोज सुबह इन पौधों को पानी दिया करते थे, पर अपनी सुनहरी तो नहीं मासूम आवाज से
गुनगुनाया करती थी। और ये पौधे भाभी जी के बाप को कितना मिस कर रहे हैं। ये गुलाब जो उनके होठों की लाली चुरा कर सुर्ख हो जाया करता था, आज कैसा मुरझा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं आप? घुइया बो रहे हैं, आंखों जहाँ बटन लगेंगे आपके, दिख नहीं रहा है आपको क्या कर रहे हैं? आप हमारे पौधों में पानी क्यों दे रहे हैं? हमारे पौधे पानी हम देंगे ना। माफ करिए, पौधे आपके नहीं, पौधे भाभी जी के। हाँ तो अंगूरी क्या हमसे अलग है? बहुत अलग है, भाभी जी आपसे एकदम अलग है। कहाँ वो मासूम और कहाँ आप एक नंबर के चलाक सियार नुमा, कहाँ वो हसीन और कहाँ एक नंबर के बदसूरत बेढंगे। आप कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं? पौधे हमारे हैं, पानी हम देंगे, आप जाइए यहाँ से। तिवारी जी एक बात कहें, आज बड़े मौके से आपने सफेद कुर्ता पहना है। ये क्या बदतमीजी है? तिवारी जी काम डाउन, काम डाउन। तिवारी जी बदतमीजी नहीं, ये टोटका है, सोल्यूशन। एक चमत्कारी बाबा ने मुझसे कहा कि अगर मैं पान खा के भाभी जी के पौधों को पानी दूं और पान की पीस आपके कपड़ों पे थूक दूं तो भाभी जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं वही कहा। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं है, थूकिए। जी 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 भर के थूकिए, पूरा लाल कर दीजिए। तुम्हारी नाश्ता बना रहे हैं पगली। क्या है, तकलीफ कर रहे हैं? रुकी हम बना देते हैं। हाँ अरे माय गॉड, ओह माय गॉड, भाभी जी अरे अंगूरी क्या कर रही? यहाँ पगली है क्या अंगूरी? अरे काहे तुम्हें मना किया है ना करने के लिए काम, कोई जरूरत नहीं है। जो कोई काम करेंगे ये भभूति जी करेंगे। और आप क्या करेंगे? झूला झूलेंगे? बहुत साल आपने भाभी जी के हाथ की रोटियां तोड़ी हैं, अब यही 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 वक्त है कि उस रोटियों का कर्ज चुकाइए आप। अरे वाह, ओ हो हो, सब यहीं पर हैं। और अंगूरी जी कैसी है? ओ हो, क्या खिला खिला चेहरा है, हाँ? कितनी एनर्जी में लग रही है, नहीं हाँ? फुल ऑफ एनर्जी। हाँ बस हल्का हल्का चक्कर आ रहा है हमको। अरे चक्कर तो आपको इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप हर वक्त घर में रहते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते। चलिए शॉपिंग करने चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Are you mad? उनकी हालत देखो, वो शॉपिंग जाने लायक है? Can she go for a shop? Come on, give me up. अंगूरी जी आप इसे पूछ लेती हूँ, आप शॉपिंग पे जाना चाहती हैं? हाँ, हमरा बहुत मन कर रहा है शॉपिंग करने का। ना भाभी जी, शॉपिंग इज अ बैड वर्ड, इट्स शॉपिंग। हंसे पकड़े हैं, हमरा मन बहुत कर रहा है जाने का। लेकिन पगली बाहर जाओगी तो। भारी जी आप समझ नहीं रहे हैं, अंगूरी जी वैसे भी कुछ ही दिनों की बस बस जरूरी है कि जो बात सबको मालूम हो बार बार हमें सुनाई जाए, बताई जाए, हमर की जाए हमारे सर पे। ठीक है ना, आप सब लोगों को पता है ना, इसीलिए कह रही हूँ कि अंगूरी जी की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है भाभी जी, अगर आप साथ ले जाना चाहती हैं शॉपिंग के लिए तो ले जाइएगा। और तिवारी जी शॉपिंग करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। ठीक है भाभी जी, लेके आते हैं। ये लो पगली, ये लो पूरे 10,000 रुपए, पूरे शॉपिंग में उड़ा देना, एक पैसा भी बचा के मत लाना पगली, ठीक है? ये लो।
आई लव यू टू। बिभु मैं भी शॉपिंग पे जा रही हूँ। या श्योर। रिक्शा कर लेना। खैर हस्बैंड्स भाई हम नाश्ता तो बाहर ही करेंगे। आप लोग बढ़िया सा लंच बना के रखिए हमारे लिए। चलिए देखा कितना तो प्यारा डांस करते हुए जा रही है। Are you mad? She's not dancing. चक्कर आ रहा है उनको। जाओ come on hold her. जाइए भाभी जी। She's so insensitive man. God. आइए थे भाभी जी। चलिए हाथ चलाइए फटाफट। तिवारी जी भाभी जी कुछ ज्यादा उछलती कूदती नहीं गुजरी यहां से। हमें लगता नहीं कि हफ्ते से ज्यादा टिक पाएगी। प्याज वाली तेल में बाबा बाबा अरे क्यों चिल्ला रहा है बाबा। चमत्कार हो गया आपके टोटके ने चमत्कार कर दिया। भाभी जी की तबीयत में बहुत सुधार आया है। अब मालूम है वो जब शॉपिंग के लिए जा रही थी ना तो उछलती कुत्ती जा रही थी और मजे की बात है कि जब वो आ रही थी शॉपिंग से तभी उछलती कुत्ती आ रही थी। बहुत खुश थी बाबा। आई एम सो हैप्पी। हर औरत शॉपिंग के बाद तो खुश लगती है। बाबा कुछ कहा? मैंने कहा ये तो होना ही था क्योंकि हमारा जो उपाय है कभी खाली नहीं जाता। ये तो आपने प्रूफ कर दिया बाबा जी। अब तू अगला उपाय सुन। इस उपाय को करने के पश्चात वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा क्या उपाय बताइए ना मुझे। तुझे जलते हुए कोलों पर चलना होगा। जलते हुए कोलों पर। क्या? हाँ अगर तू चाहता है कि तेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे तो तुझे 6 फीट जलते हुए अंगारों पर चलना होगा। अंगारों पर। बाबा 6 फीट कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ अंगूरी को बचाने के लिए अंगारों पर तो चलना ही होगा ना। ठीक है बाबा मैं अंगूरी पे चलूंगा अंगारों पे चलूंगा बाबा जरूर चलूंगा। ठीक है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तो निकाल 10,000 रुपये। बाबा कैश तो नहीं है लेकिन ये बीवी की चेन चुरा के लाया हूं ये रख लीजिए। हाँ, ये भी चलेगा। ठीक है तो भाग जा तो भाग जा। अग्निपथ लतपथ अग्निपथ लतपथ अग्निपथ लतपथ। अरे यार अब इन अंगारों पे चलना पड़ेगा मुझे लेकिन क्या करूं भाभी जी से मोहब्बत चुकी है अगर उन्हें बचाना है तो इन अंगारों पे चलना ही पड़ेगा। विभूति लत पत अग्नि पत लत पत अग्नि पत लत पत अग्नि पत। चलिए भभूति जी अग्नि पथ तैयार है अब टहल लीजिए इस पर। टहल रहे। वैसे 1 मिनट भभूति जी काफी देर से एक प्रश्न हमारे दिमाग को कोच रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे मेरी बीवी के लिए। ज्यादा कर रहे हैं ना। क्या कहा आपने? हम अपनी पड़ोसियत निभा रहे हैं तिवारी जी। वैसे हमने भी बहुत से पड़ोसी देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। खैर चलिए मौका भी है दस्तूर भी है कोयले भी हैं टहल लीजिए। चलिए आइए। अरे चलिए ना यार देर काहे कर रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं जैसे ये देखते हुए अंगारे ना हो कोई 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 मखमल का कालीन बिछा हुआ हो। हाँ तो आप देखिए ना ऐसा फील कीजिए कि ये मखमल का कालीन ही है। ठीक है और टहल लीजिए चलिए। आप क्यों नहीं फील कर लेते? नहीं तोता हमने नहीं आपने पाला है। लेकिन भाभी जी आपकी बेबी भी तो है ना। हाँ तो हम अरे यार हम और फर्ज भी तो निभा रहे हैं ना। आप फिलहाल ये फर्ज तो निभाइए। आइए चलिए 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 आइए ना यार क्या कोसना बंद करिए आप मुझे। चलिए चलिए आइए सब आ दीजिए। चलिए ना यार चलिए चलिए प्लीज समाप्त।
हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा म्यूजिक लगाते हैं, इससे आपका हौसला और बढ़ेगा। कुछ ऐसा म्यूजिक लगाइए कि मैं इन कोलों पे चढ़ जाऊं बस। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा ही। लीजिए लगाइए। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। तिवारी जी, अंगारों पे चलाओ, अंगारों पे भी दहकते हुए, किसी मखमल पे नहीं। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंगूरी हमारी बीवी है तो आप ससुर अंगारों पर काहे चल लिए? बीवी आपकी, लेकिन हमारी मोहब्बत है। कुछ कहा आपने? मैंने कहा मैं जो भी कर रहा हूँ अन्नू की मोहब्बत में कर रहा हूँ, क्योंकि जब से अन्नू ने भाभी जी की वो हालत देखी वो डिप्रेशन में चली गई। उसे कह रही थी विभू जान लड़ा दो, लेकिन भाभी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कर रहा हूँ बस मैं अन्नू की मोहब्बत में कर रहा हूँ। I'm lying। वाह वाह भाभी जी, I love you। वाह वाह भाभी जी के लिए कहा और I love you आपके लिए। भाभी जी अंगूरी का कितना ख्याल रखती है और आप भी कितने आज्ञाकारी हैं कि अंगूरी के लिए अपने पांव तक झुलसा लिए। अल्लाह भाभी जी, आपकी भाभी जी। तिवारी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, आप में जरा सी भी शर्म है या बची है कि आप उसको भी कच्चे बनियान की तरह बेचकर खा गए? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं नहीं भैया, बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। भैया शर्म आनी चाहिए आपको, मेरी भाभी माँ वहाँ पे बीमार पड़ी हैं और आप यहाँ पर अय्याशी कर रहे हैं, जबकि आपको 24 घंटे मेरी भाभी माँ के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस जिंदगी पर थू है। I like it। तिवारी कहने को तो जो सक्सेना ससुर पगलेट है, लेकिन कसम से कह रहे बात एकदम खरी कह तू मैं। अरे यार भाभी अंगूरी की तबीयत खराब हैगी तो मैं जा टाइम पे ससुर उनके संग में भाव चाहिए और तुम जनल्ला के संग बैठ के ससुर अय्याशी कर रहे, मुंह भली खा रहे ससुर। मिस्टर दारोगा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैं भाभी जी के लिए अंगारों पे चला हूं, अंगारों पे देखते हुए अंगारों पे, समझे आप? ये सही कह रहे हैं और इनके लिए अंगारे भी हमें ही ने बिछाए थे। अच्छा तो ससुर बाकू का फायदा? आशिक फायदा नुकसान नहीं देखता। कौन आशिक?